नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। लोहरदगा मिशन चौक में ट्रैक्टर यूनियन अध्यक्ष पवन एका की अध्यक्षता में लोहरदगा विधायक सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का पुतला जलाया गया। वहीं मौके पर ट्रैक्टर यूनियन अध्यक्ष पवन एका ने कहा कि यदि राज्य सरकार ट्रैक्टर यूनियन की विभिन्न मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन करने को वादिया होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के बाद सभी ट्रैक्टर मालिकों एवं मजदूरों रांची के लिए कुछ करेगी। अभियान है आज, जितना ट्रैक्टर फिनांस हो रहा है सरकार उसका भागीदारी है टैक्स का, और कमर्शियल टैक्स लगता है तो कमर्शियल काम ना करेगा ना। जिस दिन वो कृषि युग का टैक्स ले सब कृषि में चलाएगा। आप ट्रोली का टैक्स लीजिएगा, इंजन का टैक्स लीजिएगा कमर्शियल, और बयान दीजिएगा कि ट्रैक्टर कृषि योग है, तो आप ऐसा बचकाना बयान यहाँ के बेरोजगार जो आपको विधायक बना के मंत्री बना दिए, और गरीब परिवार जो जी रहा था पांच परिवार उसको मारने का कागार इस COVID-19 में आप कर रहे हैं। अब COVID-19 है, COVID-19-92 हो गया, और इसमें पलायन रोकेंगे बोलते हैं सरकार आपके द्वार। अबे सरकार आपके द्वार तभी सक्सेस होगा जब गरीब जनता का घर में चूल्हा जले। आपका बयानबाजी से, पोस्टर घुमाने से नहीं होगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में डीसी को मत बोलिए, सीओ को मत बोलिए, और जनता भीड़ लगाए तो आपके कार्यक्रम को हम सक्सेस मानेंगे। यहाँ तो डीसी को पेरते हैं, सीओ को पेरते हैं, वीडियो को पेरते हैं कि अरे उसको मशीन देंगे, उसको गरु देंगे, उसको सुअर देंगे, भीड़ जमा करो, और फोटो खिंचा कर डालते हैं। यही सरकार है, यही झारखंड सरकार है। 21 साल में जवान लड़का हो जाता है, बेरोजगार से रोजगार हो जाता है। यहाँ 21 साल में बेरोजगार लोग बेरोजगार हो गया। तो सरकार की नाकामी को फोटो बना दिखाए, जमीनी स्तर पर दिखाए, नहीं तो ट्रैक्टर यूनियन लोहरदगा आज नहीं, कमिश्नरी से लोहरदगा पूरे झारखंड, आधा बिहार, आधा छत्तीसगढ़ को चलाया, फिर से चलाएगा। आज आपको मंत्री बनाए कल उतार देंगे। आप पाकी के पाकी में रहिएगा, लोहरदगा में रहने नहीं देगा ना घुसने देंगे। जिस दिन बेरोजगार का बात होगा आंदोलन होगा और बीच रोड में रोक देंगे, 4 FIR, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये आंदोलन गरीबों का है, इससे राजमिस्त्री, रेजा, ट्रैक्टर ओनर, ड्राइवर, खलासी सारे को जुड़ा हुआ है। बेरोजगार है तब ट्रैक्टर लिया लोन लेके, किसी का बाप पूंजीपति नहीं था कि और बिजनेस कर ले। 50,000 में बिजनेस शुरू किया है, ट्रैक्टर किसी तरह से परिवार चला रहा है। पेट में लात मारिएगा तो लोग परेशान होकर कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे। तो मेरा तो संदेश यही होगा कि सरकार को सोचना होगा, सोचने के मजबूर रहने तो 26 तारीख के बाद हम लोग पूछ करेंगे रांची की ओर, तो रांची बेस्ट कर देंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।